यहाँ पर रिएक्शन चेक करो, मेरे साथ सीन जो हुआ था नहीं होगा 15 तक तो माना कि चलो बाय। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये मैं आपको आगे बैठ के बताऊंगा। भाई साहब सैम भाई जिन्होंने मुझे अपना कैमरा दिया है तो उसकी डिलीवरी नहीं होती, इसका होता है रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे रुक के खाना खा रहा था, खाना भी वाला हेलमेट चोरी हुआ है। वैसे इस पर मैंने कोई रील नहीं डाली, कोई फोटो नहीं डाली, कोई स्टोरी नहीं करेंगे, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देंगे। मोमेंट लाइफ में जो कैसे बताऊँ मैं आपको, जो मैं बता नहीं सकता, कुछ कमी है ज़िंदगी में। मैं खुश रहना चाहता हूँ, अब मैं अकेले रहूं, किसी के साथ रहूं तो मैं से सिर्फ दो या तीन दोस्त हैं मेरे। स्टार्टिंग से ही ये सब सीन हो गया था। कोई नहीं चाहिए उसे, कोई नहीं, प्यार से चला करो, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी मेन हो है। हियर इज माय Z900 और इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट करके निकलते हैं। ये लिया मैंने सेकंड हैंड, इस पे है पीवी का नंबर। कैसा लग रहा हूँ मैं? तो गाइस आपसे बहुत बातें करनी है, रास्ते में करी जाएंगी। इससे मोटे टायर हैं, बाय कर दो ना पा तूने, गेट बंद कर दे। इसमें फ्यूल भी कम है, पहले फ्यूल अप करवाने चलेंगे। तो गाइस इसमें बैठ गई ना, आदमी रिलैक्स हो जाता है एकदम से। मतलब वो हो जाता है इस पे कि बंदे ने जो सारी टेंशन वगैरह रहती है सब खत्म है एकदम। यहाँ पर रिएक्शन चेक करो, प्यार से चल रहा हूँ मैं, ज़्यादा घूंगा फूंगा कुछ नहीं। इस लोगों को चेक करो, भयंकर 50-60 की स्पीड में ही भयंकर लोग वो कर रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। चल प्यार से चलेगा पेट्रोल पंप तक, मेन रोड में बातें करेंगे। रिएक्शन लोगों के क्या कर रहा भाई? आप कह रहे होंगे इसने दस्ताने नहीं पहन रखे तो मेरे साथ सीन जो हुआ था मेन रोड पे बताता हूँ क्या कर रहा था। वो इस चेक देता हूँ। नमस्ते भैया, यस एवरेज का तो पता नहीं है, एवरेज नहीं तार का भी नहीं होगा 15 तक तो माना कि चलो। ओके भैया तो गाइस मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि भाई देखो कभी भी कुछ भी हो लाइफ में कभी वो नहीं करना चाहिए, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे कोई साथ नहीं आता, कोई साथ खड़ा नहीं रहता। लोग कुछ टाइम तक रहते साथ, मैंने देख लिया है। आज मेरे साथ मेरी बाइक है, बाकी आगे पीछे आप देख सकते हो मैं अकेला चल रहा हूँ। भले ही मतलब वैसे दूर दूर के दोस्त रास्ते पर, पास के दोस्त, कुछ दोस्त, मतलब जो भी है आप समझ जाओ। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि लाइफ में हमेशा मूव ऑन करना सीखो। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन वगैरह में भी आ गया था थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने कंटेंट नहीं डाले। तो मैंने कहा नए साल की शुरुआत थोड़ा तवाही सा करी जाए। बाकी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं गया था रायपुर, ये मैं आपको आगे बैठ के बताऊँगा बात। ये ऐसे चलते हुए मैं मज़ा नहीं आया, ऐसे में तो इसी चीज़ का मज़ा आया। भाई साहब अलग अलग लेवल का मज़ा है भाई। G900 इज लव। भले ही मैं नेकेड बाइक लेना नहीं चाह रहा था पर फिर भी मैंने ली, क्योंकि अच्छी बाइक है। क्या रे भयंकर लेडीज। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, आपको कहानी बताता हूँ अपनी की कहानी क्या हुआ है मेरे साथ, क्यों मैं इतना स्ट्रेस में आ गया था। बाकी रुको रोक नहीं दो, बाकी गाइस रुको हेलमेट भी उतारी दूँ। तो गाइस सबसे पहले स्पेशली थैंक्स टू सैम भाई जिन्होंने मुझे अपना कैमरा दिया है, आज उन्हीं के कैमरे से मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि गाइस मेरे साथ सीन ये हुआ है कि मैंने ली है G900 अपनी, बाकी आप देख सकते हैं ये पीवी नंबर प्लेट है, मैंने जैसा बताया था आपको, ये इसकी लाइट है।
इसकी चाबी बंद कर देते हैं, बैटरी लो ना हो जाए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं बता रहा था कि मैंने बाइक ली है, बताया आपको कि मैंने जी 900 ली है, और इस जी 900 के चक्कर में जिस दिन मैंने जी 900 की डिलीवरी ली है मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया है बढ़िया करके, मतलब बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोग आए थे डिलीवरी में। डिलीवरी में बोले तो डिलीवरी भी क्या थी, सेकेंड हैंड बाइक है तो इसकी डिलीवरी नहीं होती, इसका होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगा। तो मैं चले गया था सुबह सुबह समथिंग 9 बजे करीब, मैं यहाँ घर से निकल चुका था, अपनी जी 900 को लेने के लिए, देख सकते हो आप, ठीक है। तो फिर हम गए अपना आराम से, हमने काम वाम करवाया, तो ऐसे ही इसके 7-8 बज गए थे, शाम के बज गए थे 7-8, तो 7-8 बजे तक अपना काम निपटाया हमने। तो मैं सुबह से भूखा था, मैंने कुछ खाया हुआ नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मतलब मैं यहाँ से काम करा के ले जाऊँ, बाकी मुझे रास्ते में दिक्कत आए, कोई पुलिस वाला पकड़े या कुछ भी, किसी भी चीज़ में कोई A to Z सब काम करवा गया। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मतलब ऐसी कोल्ड ड्रिंक पी होगी, चिप्स विप्स खाए थे, पर पेट नहीं भरा था। तो मैं घर आते हुए रायपुर पे एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, फूड वैन टाइप की है गढ़वाली नाम से, तो मैं वहाँ पर रुक के खाना खा रहा था, खाना भी क्या मतलब मोमोज वगैरह खा रहा था। तो बच्चे वगैरह आ रहे थे कि भैया बाइक आपकी बाइक है, अच्छी बाइक है, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचानी है ऐसे वैसे। तो मैंने अपना हेलमेट GoPro और हेलमेट के अंदर अपने दस्ताने रखे थे, तो ऐसे ही फोटो खिंचा रहे थे बच्चे, तो भीड़ भी इकट्ठी हो रखी थी, तो मैं आराम से मोमो खा रहा था। मैंने कहा स्क्रैच मत मारना, बाकी आप आराम से वीडियो बनाओ, वो फोटो खिंचाओ, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ऐसा ऐसा सीन था, सीन की भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हुआ ये, जब मैंने मोमोज वगैरह खाए उसके बाद मैंने पेमेंट कर पाई, उसके बाद मैं आता हूँ अपनी बाइक पे। तो मेरी बाइक पे था सिर्फ मेरी बाइक, ठीक है, इस पे ना मेरा हेलमेट था, ना मेरे दस्ताने थे, ना मेरा GoPro था, जो कि सब हो गया, सीन ख़त्म। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ आपको खोल के कि ये मैं अपना हेलमेट भी, आपके पास पता होगा कि मैंने वो लिया था एक एग्जॉर का हेलमेट लिया था रेड कलर का, तो वो वाला हेलमेट भी, वही वाला हेलमेट चोरी हुआ है वैसे। बाकी अभी मैं आया हूँ अपना पुराना हेलमेट, ये स्टड का हेलमेट है मेरा, शायद 2500 रुपये का होगा, शायद 2000 से 2500 के बीच में, इतना मुझे याद नहीं है, क्योंकि सबसे पहला हेलमेट मेरा यही था जो स्टड का था, मैंने AGV का स्टिकर लगाया इस पर। बाकी अभी ये साथ है, ये जैकेट ली थी मैंने, इसका भी ब्लॉग उसी वाले मेमोरी कार्ड में था, मतलब उसी GoPro के मेमोरी कार्ड में था। बाकी बहुत चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में, वो सब रिकॉर्ड था उसमें, बहुत चीज़ें थी। पुलिस वाले आंटी देख रही, कह रही भयंकर यहाँ बैठा, तो मैं कह रहा था हाँ, तो मतलब उसमें बहुत चीज़ें रिकॉर्ड थी, मतलब ज़िंदगी क्या बोल रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि जब मेरा ये इसे लिए हुए मुझे करीब करीब हो गए शायद 10 से 12 दिन हो चुके हैं, इसे मैंने शायद अभी तीसरी बार निकाला घर से बाहर, ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ सामने एयरपोर्ट रोड पे खड़ी है। इस पर मैंने कोई रील नहीं डाली, कोई फोटो नहीं डाली, कोई स्टोरी नहीं डाली, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, क्योंकि मेरा 54,000 का कैमरा, उस पर 2,000 का मेमोरी कार्ड, ऊपर से उस पर 4,000 का माइक था मेरा रॉड का, वैसे 5,000 से ऊपर का था, पर वो डिस्काउंट वगैरह लगा के थोड़ा बहुत जान पहचान के उस पर से 4,000 कुछ का मिल गया था। तो मेरा 6,000 कुछ का हेलमेट था, वो भी गायब हो चुका था। बाकी मेरे 1500 के ग्लव्स थे मेरे, भले ही वैसे रेड वाले थे, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जा चुके हैं। बाकी अभी आप देख सकते हो मैं पूरी एयरपोर्ट रोड पर अकेला बैठा हूँ, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, सिर्फ मेरी बाइक साथ है और मैं हूँ यहाँ पे, मेरी बाइक है। बाकी हम फुल मजे करेंगे, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देंगे। मैंने अपनी वो जो N250 है वो भी मेरे पास है, अभी भी है रिसेंटली, मैंने वो नहीं करी है, सेल नहीं करी है, तो उस पर भी ब्लॉग आएंगे, उस पर राइड वाइड के ब्लॉग, तो मतलब जैसे राइडरों के साथ नरेंद्रनगर वगैरह जाऊँगा तो उसी पर आएंगे ब्लॉग। इसके ब्लॉग सिर्फ मेरे पर्सनल आएंगे, जो सिर्फ मतलब मैं अकेला कभी निकला करूँगा, जैसे आज निकला हूँ पूरी शांति में, मतलब ये बाइक हो और कोई साथ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बाइक पर जब जब बैठ के चलाऊँ, मैं अभी तक 3 या 4 बार निकाली है मैंने घर से, ज़्यादा नहीं, तो जितनी बार मैं लेके निकला हूँ तो मेरा सारा माइंड रिफ्रेश हुआ है। फिर मुझे लोगों ने बोला है कि भाई कि तू फालतू में कुछ, मतलब होते हैं वो कि मोमेंट लाइफ में, जो कैसे बताऊँ मैं आपको, जो मैं बता नहीं सकता, बता सकता हूँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कई लोग आते हैं लाइफ में, कई लोग जाते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, तो थोड़ा मतलब ये रहता है ना कि हाँ भाई तुम्हारा किसी से अटैचमेंट है और आज तुम उसके साथ हंसी खुशी रह रहे हो, खेल रहे कूद रहे साथ में, कल के दिन हम साथ नहीं हैं, अलग अलग हो जाते हैं और हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, बात नहीं कर पाते एक दूसरे से, तो उस पर भी बहुत चीज़ें वैसे इम्पैक्ट आता है लाइफ में, बहुत वो लगता है कि कुछ कमी है ज़िंदगी में, कुछ कमी बोले तो मतलब कि जैसे अभी आपके पास 100 रुपये, आपने 100 रुपये खर्च कर दिए, चल पैसे वाली बात, मतलब उसको किसी चीज़ से वो नहीं कर सकते कंपैरिजन। बाकी बस बाइक है मेरे साथ जो हमेशा रहेगी, मैं हूँ तुम्हारा भाई हिमांशु, दोबारा से वही एनर्जी के साथ ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अभी तो मेरे को लगता नहीं है मैं इतनी जल्दी रिकवर हो पाऊँगा, मतलब हो पाऊँगा क्योंकि मैं हो रहा हूँ धीरे धीरे। मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई किसी मेरे किसी और उससे मेरे किसी और उससे मेरी लाइफ में वो पड़े, इम्पैक्ट पड़े या कुछ भी पड़े, मैं नहीं चाहता, मैं खुश रहना चाहता हूँ। अब मैं अकेले रहूँ, किसी के साथ रहूँ, दोस्तों के साथ रहूँ, किसी के साथ ना रहूँ, तो मैं अकेले रहना चाहता हूँ।
बाकी आप सभी को मेरा प्यार। बाकी चलते हैं कैमरे में, चलते हैं मतलब बाइक में चलते हैं, बातें चलते चलते ही बातें करता, ये बात मैं रुक के स्पेशली बोलना चाहता था। और लाइफ में कभी कभी किसी पे भरोसा मत करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, जो तुम्हें सही लगता वो करो, बाकी किसी से ज़्यादा अटैच मत होया करो। जहाँ तक मेरा कहना है ज़्यादा अटैच मत होया करो, बाकी आप ब्लॉग्स बनाते हो तो ब्लॉग्स बनाओ, जो करते हो काम धाम पे ध्यान दो, पैसा कमाओ तगड़ा तगड़ा। बाकी आज देख सकते हो मतलब सारे दोस्त से लेके मतलब कुछ भी बोल लो, मतलब मुश्किल से जैसे 100 में से सिर्फ 2 या 3 दोस्त हैं मेरे जो साथ हैं, बाकी कई चले गए, कोई छिड़ के चले गए, कोई नाराज़ होकर चले गए कोई किसी चीज़ से। और नाराज़ किस बात पे कि भाई बाइक दे दे अपनी, मैं बोल दूँ कि भाई अभी नहीं यार, अभी नई नई बाइक दे नहीं सकता, तो इस बात पर चिढ़ जाते हैं। क्या करें, कोई नहीं, लाइफ है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर मेरी जान झुकने का नहीं, रुकने का नहीं। बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई ज़िंदगी में वो हो मतलब दुख परेशानी दिक्कत समस्या कुछ भी हो, मेरे से आगे संपर्क करें, तुम्हारा भाई सब चीज़ बढ़िया तरीके से करके देगा, तुम्हें समझाएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं जिस स्टेज से निकल चुका हूँ मतलब अभी रिसेंटली 15-20 दिनों से 15-20 दिन तो नहीं, मतलब महीना डेढ़ महीना मान के चलो, नवंबर स्टार्टिंग से ही ये सब सीन हो गया था शुरू, तो ये मैं जिस स्टेज से निकल चुका हूँ मैं आपको समझा सकता हूँ बढ़िया तरीके से, मतलब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है किसी भी चीज़ में। बाकी आज मैं और मेरी गाड़ी, फिर से कह रहा हूँ सिर्फ गाड़ी साथ रहती है, दोस्त नहीं साथ रहते, घर वाले रहते हैं साथ पर ऐसे नहीं रहते घर वाले भी, हाँ ले ली इतनी महंगी बाइक, ले ली इतनी महंगी बाइक, कोई नहीं, शौक था पूरा हो गया, भले ही घर वालों के पैसों से हुआ, एक दिन नहीं लेंगे अपने पैसों से, G900 है, G1000 लेंगे, ZX10R लेंगे, BMW की लेंगे मतलब तुम्हें वीडियो देखते हुए भी चाहिए गालियाँ दे रहे हैं, BMW की लेंगे, M लेंगे, S लेंगे, 1000RR लेंगे, S2 लेंगे, सब लेंगे, जितना होगा उतना करेंगे। बाकी अभी बहुत जल्दी अपनी एक कार भी आने वाली है, बाकी आपको मिलते हैं उसके साथ बहुत जल्दी ब्लॉग में, बाकी चलते हैं बाइक पे मिलते हैं आपको। तो गाइस मेरा कैमरा बंद हो रखा था, मैं पूरा बड़बड़ाते बाहर अपना एयरपोर्ट से। बाकी अभी जा रहे हैं हम, आगे से चलते हैं थोड़ा और घूम के, बहुत टाइम होगा, थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है इसे चलाने के बाद। ये खुशी सिर्फ बाइकर समझ सकता है कि जब उसके पास उसकी बाइक हो, सिर्फ बाकी कोई नहीं चाहिए उसे, कोई नहीं, ना उसे खाना चाहिए, पर पेट्रोल का पैसा चाहिए, ना उसे खाना चाहिए, ना कुछ चाहिए उसे, ना लड़की चाहिए, ना उसे दोस्त चाहिए, बस उसे चाहिए बाइक, बाइक में तेल और खुली सड़क। गाइस अब आएंगे मोड़, बहुत टाइम हो गया लीन बीन ना मारी। ज़्यादा नहीं वो करेंगे लीन, भारी है कहीं मसला हाँ अभी नहीं नहीं है, सीखेंगे, नरेंद्रनगर भी जाएगी ये गाड़ी अपनी अपनी। बाकी गाइस एक फ्लाई बाय मारेंगे थोड़ा आगे जाके, भाई साहब ये लोग खोड़ते हैं खोपड़ी खराब, भयंकर, जितने की उसकी कार नहीं उससे ज्यादा महंगी बाइक है, और फिर भी ऐसे ओवरटेक मार रहे मोड़ों में, वो भी यहाँ पे मारता थोड़ा बढ़िया सा लीन। बाकी गाइस प्यार से चला करो, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी मेन हो है, जिंदगी मैंने बाइक ले ली, ऐसा नहीं बाइक ले ली घूंगा फूफा कर दिया, घर वालों का भी सोच के चला करो, बाकी थोड़ा चले क्या। ये देखो कैसे निकल गया बाहर, गाइस पीवी नंबर है इसकी, रुको मैं लाइट जलाता हूँ दिखाता हूँ तुम्हें, बाय है कौन लड़की है, अच्छा ऑन नहीं किया गाइस, लाइटें नहीं जल्दी स्टार्ट करने पे जलती है, पर इसका जो हेड है कितना प्यारा सा लगता है, मक्खियाँ मर गई। बाकी गाइस ये हिल क्यों रहा पता नहीं, शायद प्लास्टिक है इसलिए। बाकी इसका जो फेस है बहुत चौड़ा सा है, देखो मतलब देखो ना बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कुछ फाड़ने जा रहे हैं, भयंकर घूम आवाज़। इसके एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ आपको एक बार, देख रहे हो गाइस हल्ला, सकते हो पीछे से कितना चौड़ा टायर है इसका। ये लाइट जल चुकी है इसकी, और ये बाइक का 360 रिव्यू हो गया। बाकी गाइस बहुत जल्दी मिलेंगे आपको तगड़े तगड़े कंटेंट के साथ,
बाकी थोड़ी देर धूप सेक लेता हूँ, बहुत ठंड सी लग रही है इसमें। खांसी हो गई है, थोड़ा बीमार भी हो ही रखा था, पर बाकी जो मैं जो मैंने बताया सब याद रखना, लड़की के चक्कर में मत पड़ना और भी बहुत चीज़ें कुछ मत करना। इसका चैनल है राइड विद अन्नू नाम से, तो भाई के चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ भाई की वीडियोस में भी, भाई को भी सपोर्ट कर दो थोड़ा। ठीक है भाई, है ओके भाई, ओके भाई, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे पक्का, ओके भाई। मैं चल रहा हूँ बहुत देर से न्यूडल, 500-600 रुपये का तेल रहा है, वो हो गया होगा ख़त्म। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भयंकर अपनी न्यूडल भी चल रही है 45-40 में। तो गाइस थोड़ा सा ब्लाय वाय दे दिया था मैंने, बाकी अभी चल रहे हैं प्यार से। बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और आपको बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चों की हो गया छुट्टी।